हाँ जी बेटे, सो लेट अस कंटिन्यू विद द इंक्रीज डिक्रीज। आज अपन की करांगे मेन दे क्वेश्चन करांगे, ठीक है। थ्योरी अपन लास्ट पढ़ ली, बट फिर भी जस्ट 1 मिनट के अंदर, क्योंकि आप आज डील करांगे सारे डिफरेंशियल फंक्शन आज, ते एक बार रीकैप ले लिए। ते आ है पुत्र स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, उदे वास्ते की है कि dy/dx थोड़ा या तो 0 तो वड्डा होवे, मतलब स्लोप पॉजिटिव, या 0 होवे, 0 होनी चाहिए है अलग अलग पॉइंट ते, ठीक है, इंटरवल ना बने एवें। तो इनू आप स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग कहने हैं। तो जे थोड़ा dy/dx है ना ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, मतलब इक्वल टू 0 स्लोप एक इंटरवल बनाए, उन्होंने आप इनक्रीजिंग कह देने, ठीक है। तो अदरवाइज स्लोप 0 तो वड्डी या कॉन्सटेंट। सो अगर स्लोप नैगेटिव हो या पॉइंट्स ते अलग अलग ते 0 हो, तो dy/dx अगर लैस दैन इक्वल टू 0 दैट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एंड सिमिलरली दैट इज डिक्रीजिंग एंड इक्वल टू 0 एस इंटरवल, ठीक है। सो यदा मतलब आप हूँ क्वेश्चन की करना, स्टैप्स की होगी, कोई प्रॉब्लम दिता है वो कहेगा जी इंटरवल ऑफ इनक्रीज डिक्रीज दसो, गल आप डिफरेंशियबल फंक्शन की कर रहे हैं, तो की होगा, पहला स्टैप हो गया dy/dx कर लो, ठीक है। वो बाद आप ये सॉल्व करना है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। तो dy/dx कितने कितने 0 तो छोटा है, मतलब वो इंटरवल लभ लेना जिथे dy/dx 0 या 0 तो वड्डा है, मतलब आप इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, ऐसी आ वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करनी। सो प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंशिएशन करने के बाद एक इनइक्वालिटी का बन जाएगा। सो उन्होंने सॉल्व करके जोड़ा यदा इंटरवल आ गया वो इंटरवल ऑफ इनक्रीज, जेडे जेडे ये आ गए इंटरवल ऑफ डिक्रीज, ठीक है। सो मुख्य की गल की है डिफरेंशिएट करके वी नीड टू सॉल्व इनइक्वालिटी एंड दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, वो अंदर भी एक नोट ख्याल ना समझो, मान लो थोड़ा कोई सवाल दिता है, ये होंगे भी आंसर नू प्रेजेंट करने का तरीका जो हूँ मैं दसन जा रहा। मान लो आडे को पॉइंट ए है, लक्ष्य आ बी, सी ते आ डी, ठीक है। अच्छा, मान लो तुम सॉल्व सुल्व कर लिया, dy/dx कर लिया, सारा थोड़ा ग्राफ बना लिया, मतलब जिम्मे नज़र आ रहे। हूँ मैं कहाँ कितने कितने इनक्रीज़ करेगा, तो करेगा जी ए तो लैके बी तक, ठीक है। होर कितने करेगा, सी तो लैके डी तक। तो जिदा मैं थोड़ा हमने कहा भी आंसर नू पुट किमें करना वो दसन जा रहे। तो हूँ एक कॉमन डाउट होंगे सर, इतने क्लोज या ओपन। अच्छा, इफ यू लाइक लुक थ्रू NCERT या होर बुक्स के अंदर कन्वेंशनली ना वो इदा ओपन पा देंगे कि ठीक है यार एंड नू छोड़ो, ए ते बी दे विच ते इनक्रीज़ है, ठीक है। इदा ही इतने भी ओपन पाते। सो यू विल फाइंड इन कि कोई सेम क्वेश्चन होएगा, एक जगह ओपन पाया होएगा, एक जगह क्लोज़ पाया होएगा, ठीक है। बट एक्चुअल अंदर की है कि अगर मैं ऐसी गल करा, मतलब टेक्निकली यू शुड बी पुटिंग इट क्लोज ए टू बी, अगर ए टू बी टे डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि अगर तुसी क्लोज लाओ और एस क्लोज ए टू बी ते वो डेफिनेशन लाओ x1 x2 वाली, तो अगर मान लो इतें x2 भी हो जाए, तो कोई भी पॉइंट गांह लाओगे तो x1 ते वैल्यू x2 तो वड्डी, अगर बी ते इतें x1 आ जाता है तो f(x1) पिछे कोई भी x2 लैंदे हो तो इतें वैल्यू पिछे वाली नालों वड्डी है। तो जी बेसिक डेफिनेशन क्लोज च भी सैटिस्फाई हो रही है, तो इस करके तुसी क्लोज पा दोगे। बट अगेन मैं क्या, किताबों के अंदर इवन NCERT जी कई जगह क्लोज पा देगा, कई जगह ओपन पा देगा, इस करके प्रॉपरली करैक्ट आया, बाकी ऑप्शन के हिसाब ना तो ही वेख लियो, ठीक है। रिजल्ट क्लियर? सो एक तो आ चीज़ हो गई। सो सिमिलरली मान लिया सी ते डी ते भी इनक्रीजिंग है, तो तुसी आप पा दिता। हुण मैं अगर तुहानू ओवरऑल कहां, पहला पॉइंट समझ आ गया तुहानू कि क्लोज ओपन वाला। हुण दूजा पॉइंट है हा कि अगर मैं कहां फाइंड आउट दी ओवरऑल इंटरवल ऑफ इनक्रीज, तो कितने कितने होएगा, ए टू बी, ठीक है, तो सी टू डी। नो अगेन किताबों के अंदर इतने यूनियन पाया होंगे, और कई बार इवन क्वेश्चन जोड़े आते उन्होंने भी यूनियन ही पाया होंगे, बट एप्रोप्रिएट की है, मतलब जो उन्हें लिख ही दिता है तो ठीक है यार मान लाँगे भी, मतलब जो होर कोई ऑप्शन ही नहीं फिर तो टिक करा करा। और ईवन सबजैक्टिव तुहाडे NCERT के मगर भी इदा ही आंसर दिते हुए, बट एदा मतलब की है, वो कहिंदा जी आ तुहाडा इंटरवल ऑफ इनक्रीज़ है, वट डज़ दैट मीन कि इस इंटरवल के अंदर पूरे च कोई भी x1 अगर मैं x2 तो वड्डा चक्या, तो f(x1) की वैल्यू f(x2) तो वड्डी आनी चाहिए। तो अगर मैं मान लो x1 इत्थे कि चूज़ कर लाँ, ठीक है, गलते आ इंटरवल केड़ा है, इथों लैके इथों तक प्लस इथों लैके इथों तक, सो लैट मी चूज़ x1 देयर,
एंड लेट मी चूज एक्स टू देयर। हाँ जी, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स टू? एफ ऑफ एक्स टू दी वैल्यू आया एंड एफ ऑफ एक्स वन क्लियरली आया। तो अगर इन्हों दोनों इंटरवल की गल करिए तो ये एज अ होल तो इनक्रीजिंग नहीं है ना, क्योंकि इतने तो वैल्यू घट गई। तो इस करके यूनियन पान का प्रैक्टिकली मीनिंग आया जो मैं समझाया, तो इस करके ए तो सही नहीं लिखना। तो सही की है लिखना, वो आ लिखना ठीक है। तो तुसी लिखो कि ठीक है यार, ए तो लैके बी तक भी इनक्रीज कर रहा है एंड सी तो लैके डी तक भी इनक्रीज कर रहा है। तो या तो एंड पा दो या कॉमा पा दो, सेमीकोलन पा दो, भी अलग अलग इंटरवल ए भी इनक्रीजिंग है एंड ए भी इनक्रीजिंग है। ठीक गल समझ आई? सो दिस इज़ लाइक एप्रोप्रिएट वे ऑफ पुटिंग द आंसर। जे हुण बेशर्म होके यूनियन पा दिता तो ठीक है भाई, मतलब मान लाँगे, समझ आई गल? सो दिस इज़ लाइक, दिस इज़ द एक्चुअल वे ऑफ पुटिंग, और लॉजिकली थोड़ा समझाता भी क्यों है ना। सो आ दो चीज़ों का ख्याल रखना है बस। इज दैट क्लियर? मतलब ये तद के मतलब एक ऑप्शन हो जो यूनियन वाला भी हो वाला भी हो फिर बिल्कुल आ ज़्यादा वधिया। ठीक है, सो इस करके कदे भी क्वेश्चन हो जे एंड पॉइंट ते डिफाइंड तो तुसी क्लोज कर देना और बाकी ऑब्जेक्टिव ऑप्शन देख लेना। ठीक है, उदे बाद नेक्स्ट पॉइंट की है कि नोट नंबर टू कि जिदा मैं दस्या कि डिफरेंशिएट करना है, डी वाई डी कर लिया, फिर इनइक्वलिटी सॉल्व करनी। हुण इनइक्वलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ी वो वेवी कर्व टाइप से ट्रूस हो जाता है, मतलब अगर यहोजी इनइक्वलिटी आ जाए। ठीक है, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू। अच्छा, इतने मैं याद कर दा कि स्कूल होएगा तो किदा करना वो मैं हुणे समझाना। ऑब्जेक्टिव जिन्होंने वेवी कर्व मैथड पढ़िया बहुत वधिया, नहीं तो बेसिक मैथमैटिक्स एंड लीनियर इनइक्वलिटी की एक फोल्डर है वो अंदर वीडियो नंबर 6 के अंदर मैं वेवी कर्व बेसिक मैथड से जिन्ना कु लगता समझाया, 15-20 मिनट तुसीं वो एक्सप्लोर कर लियो। ठीक है, बट स्टिल इतने मैं एक दो चीज़ा जो दसन वाली हैं वो मैं दस दिना। मान लो कोई यहोजी इनक्वलिटी आ जाए, ठीक है, क्योंकि आएगा तो डेरीवेटिव एक एक्सप्रैशन आएगी। हूँ मान लो तुहाडे को आ एक्सप्रैशन आ गई डिफरेंशिएट करके, हूँ कहेगा जी सॉल्व करो ग्रेटर दैन जीरो लैस दैन जीरो। तो ये इफ यू गाइज रिमैंबर तो की पॉइंट ख्याल करने होंगे, पहला तो जिन्हें भी एक्स की पावर जो थोड़ी लीनियर हो, ठीक है, एक्स की पावर वन और एक्स का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है सारे का, ठीक है, और अगे भी सवाल दे प्लस हो, ऐदा नहीं माइनस है, जो माइनस है फिर माइनस का मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करांगे, और ये सारिया चीज़ा मैं उत्तर समझाई हैं। ठीक है, तो अगे भी थोड़े पॉजिटिव हो और लास्ट राइट हैंड साइड पर इट शुड बी जीरो। ठीक है, तो अगर एहो जी इनइक्वलिटी सॉल्व करनी कद है जीरो तो वड्डा है जीरो तो छोटा है, हाँ जी की होंगे हरेक फैक्टर नू इंडिविजुअली जीरो पुट करो, लाइक एक्स माइनस वन इज जीरो, एक्स आ गया वन, ऐदी वास्ते टू थ्री तो फोर, उन्होंने इन ऑर्डर प्लॉट कर लीजिए। ठीक है, फिर तुम इधरों कर्व बनाई, हाँ जी इतने अल्टरनेट पॉइंट चो। ठीक है, फिर जिथे जिथे कर्व रियल एक्सिस तो उपर उत्थे प्लस पा दो, नीचे वाले तो माइनस। शुरू इधरों करनी है, लॉजिकली क्लियर है कि चार तो वड्डा नंबर लवेंगे इतने कोई भी पाँच छे, तो एक्स अगर चार तो वड्डा लिया तो मतलब जो पाँच लिया, पाँच माइनस चार, पाँच माइनस तीन, ये सारे के सारे फैक्टर पॉजिटिव होने इस करके। तो हुण पता कि ओ एक्स दसो जिथे आ जीरो तो वड्डा है पॉजिटिव, पॉजिटिव कितने कितने इत्थे इत्थे तो इत्थे, तो ए ओ इंटरवल है जिथे थोड़ा आ वाली एक्सप्रैशन जिहड़ी कि किसी का डी वा बाई डी एक्स होएगी, ठीक है, वो जीरो तो वड्डा आ जाएगा, तो इनक्रीज़ करेगा जी जिथे इत्थे आ पॉजिटिव। सो माइनस 20 टू 1 एंड 2 टू 3 एंड 4 टू 20। ठीक है, कहे कि लैस दैन जीरो कितने है, कर्व इदा ही बननी है, लैस दैन जीरो मतलब नैगेटिव वाला पार्ट देखो इत्थे तो इत्थे, तो एक तो दो एंड तीन तो चार के अंदर डी वा बाय डी एक्स नैगेटिव है, इतने डिक्रीज करेगा। सो इज दैट क्लियर? बाकी जी इक्वलिटी की गल करो, चार तो कभी आएगा नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर है, तो आते हमेशा हॉलो आएगा। अगर इक्वल टू लिखा होवे तो इक्वल टू कितने कितने जीरो है, वन ते टू ते ते थ्री ते, आ वाले डार्क आ जाएंगे, कोरसपोंडिंग आप फिर इक्वल टू ले लेंगे प्रॉब्लम के अंदर। तो एक तो आ हो गया इनक्वलिटी का, बाकी इनक्वलिटी सॉल्व करते हैं। जे यहोजी कोई एक्सप्रैशन आए एफ रेस्ट पर जी, एफ एक्स रेस्ट पर जी, फिर एफ इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन जीरो, लाइक इदा हो जाए एक्स रेस्ट पर एक्स, ठीक है, कुछ भी यहोजा हमेशा आ जीरो तो वड्डा होएगा, नहीं तो डिफाइंड नहीं होंगे। ठीक है, एफ रेस्ट पर जी, एक्स रेस्ट पर एक्स हो गया, ई दी पावर एक्स, ई रेस्ट पर माइनस एक्स, यहोजी एक्सप्रैशन तुम्हें पता हमेशा जीरो तो वड्डिया होनी है, ये कभी भी नैगेटिव नहीं होंगे, कुछ भी एक्स पावे फॉर वेयर एवर इट इज़ डिफाइंड, ये आंसर जीरो तो वड्डा ही आएगा। ठीक है, जिहड़े स्क्वायर या ईवन पावर हो गए
इवन रूट हो गया है ना, अंडर रूट हो गया, फोर्थ रूट हो गया, या मॉड एक्स एक्सेट्रा, ये हमेशा जीरो या जीरो तो वड्डे होंगे, मतलब कदे भी नेगेटिव नहीं होंगे। यदा मतलब की है कि मान लो तुम इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करते करते कुछ यहो जहाँ आ गया, ठीक है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, आ डी वाई बाय डी एक्स आ गया किसी का। हुण आपां की करना है कि डी वाई बाय डी एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो और लैस दैन जीरो या ग्रेटर दैन इक्वल जीरो, तो इनू करांगे सॉल्व। थोड़ा इनू सॉल्व कर लगे हाँ, सानू पता कि आ ई रेस्ट पर एक्स स्क्वायर ए तो हमेशा पॉजिटिव ही है, आप चाहते कि ओवरऑल नंबर कद पॉजिटिव है, ए तो हमेशा पॉजिटिव ही है, तो यह टोटल एक्सप्रैशन कद पॉजिटिव होगी पुत्र जब आ वाला बचा खुचा जीरो या जीरो तो बड़ा हो, तो मतलब एदा तो रोल ही कोई नहीं है, जे आ प्लस है तो ओवरऑल प्लस हो जाएगी, जब आ माइनस है क्योंकि आते प्लस ही है हमेशा, तो ये वजह के ही प्लस होएगा, यदि वजह के ही नैगेटिव होएगा। जस्ट मैंशन इज साइडवाइज एज ई दी पावर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर दैन जीरो, देयरफोर ए पॉजिटिव कद होएगा वैन एवर एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, ए जब जब ये पॉजिटिव है तो उत्थे ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, जब आ नैगेटिव है तो ओवरऑल नैगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनइक्वैलिटी ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। बाकी होर कोई चीज़ इनइक्वैलिटी की वरती जाऊगी वो मैं नाल नाल समझाई जाऊँगा, ठीक है। ये हो गई गल होर, चलो होर ना मैं चलो एक क्वेश्चन करके थोड़ा दिखाना एंड आई विल एक्सप्लेन इट बोथ वेज, मतलब स्कूल किमें करना तो ऑब्जेक्टिव किमें करना, इन्ना तो आइडिया लग ही गया कि ऑब्जेक्टिव तो जनरली इनइक्वैलिटी फटाफट सॉल्व हो जाती है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्कूल किमें करना वो सीख लियो, ठीक है। सो लैट मी टेक वन एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन शुरू करना कहता वाई इक्वल टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस वन इंटरवल ऑफ इनक्रीज डिक्रीज लो, ठीक है। तो पहला की करिए डी वाई बाय डी एक्स कि आ गया बेटे थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री दैट इज़ थ्री टाइम्स एक्स स्क्वेयर माइनस वन दैट इज एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। सो ना पहला मैं आ ऑब्जेक्टिव वे सॉल्व करके क्विकली दिखा देना, फिर स्कूल किमें करना मैं दसदा। तो हूँ ये आसान है, डी वाई बाय डी एक्स थोड़ा आ गया कि पुत्र थ्री टाइम्स एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, जिथे जिथे आ टर्म पॉजिटिव है ठीक उत्थे उत्थे पक्का इनक्रीज़ करेगा, ठीक है। हुण इहदा मतलब इहदा साइन कर लिए किथे किथे पॉजिटिव है किथे किथे नैगेटिव, वो तुहानू हुणे समझाया। हाँ जी, एनू जीरो पुट करो माइनस वन आ गया, एनू जीरो पुट करो वन आ गया, सारिया चीज़ा ठीक है, पावर वन है अगे भी पॉजिटिव है, ठीक है। सो इत्थे पॉजिटिव नैगेटिव ते पॉजिटिव, सो मैं फिर दसदा आ साइन स्कीम कि है एस एक्सप्रैशन की, ए कौन है डी बाय डी एक्स, ठीक है। जिहदा मतलब एक तो बाद ते माइनस एक तो पिछे डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू प्लस आएगी, डी वाई बाय डी एक्स पॉजिटिव मतलब स्लोप पॉजिटिव मतलब फंक्शन इज इनक्रीजिंग, सो एस एस इंटरवल ते फंक्शन इनक्रीज करेगा, देयरफॉर इनक्रीज द इंटरवल कि आ गया माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन एंड वन टू इनफिनिटी, इज दैट क्लियर। गल करा इंटरवल ऑफ डिक्रीज कि आ गया, हाँ जी माइनस वन टू वन से आ नैगेटिव मतलब डी वाई बाय डी एक्स नैगेटिव है, मतलब उस पार्ट से स्लोप नैगेटिव होएगी, किड़ा पार्ट आ गया माइनस वन तो लैके वन, ठीक है, समझे गल। सो दैट्स इट। हुण जे इस चीज़ नूं तुसीं स्कूल च करना होवे फिर की करोगे, ठीक है। आ हुण मैथड पहले तीन चार सवाल से ना बेटे मैं रिपीट करूँगा सो दैट तुहानू आदत पै जाए भी एवें करना, नहीं तो नंबर नहीं जी मिलते ना, उहदे च की करांगे, इत्थे तक तो चलो कॉमन ही है। फिर तुसीं करोगे ना डी वाई बाय डी एक्स जीरो कितने कितने है, एट एक्स इक्वल टू वन एंड एट एक्स इक्वल टू माइनस वन, दैन यू आर गोइंग टू प्लॉट ऑन द लाइन के ठीक है यार आ माइनस वन ते वन, वन माइनस वन तो डी वाई डी एक्स लाइक चांसिज है कि साइन चेंज करेगा ना। फिर तुसी केसेस कंसीडर करोगे, दैन यू गोइंग टू मेक दिस टेबल, इत्थे लिखोगे इंटरवल, ठीक है, इत्थे लिखोगे साइन ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, और डी वाई डी एक्स की है दैट इज थ्री टाइम्स एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस वन,
और एथे फिर दिन नेचर लिखोगे की है, नेचर लिख लो या लिख लो इनक्रीज और डिक्रीज की है। अच्छा फिर उसके बाद हुण तुसीं देखो वन माइनस वन तुसीं लिख लिया, हुण तीन इंटरवल बन गए जिदे च आपां चैक करेंगे पहला कि एक दे बाद। ठीक है, सो पहला लिख लो फर्स्ट इंटरवल इज लाइक फ्रॉम वन टू इनफिनिटी। एस इंटरवल चैक करन लगे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स जी आ है ये पॉजिटिव है या नैगेटिव है। नाउ जब एक्स एक के बाद लवेंगे तो क्लियरली कोई भी नंबर एक तो व्डा लाओगे एक्स, तो एक्स माइनस वन आ भी पॉजिटिव होएगा, आ भी पॉजिटिव। तो इतने लिखना है, देखो ऑलरेडी तो पता ही है वेवी कर्व तो कि इतने पॉजिटिव है इतने नैगेटिव है, तो एक फॉर्मूले लिखना ही है, तो वेवी कर्व वैसे ही बना लिया करो। यू अंडरस्टैंड, मतलब सब्जेक्टिव भी लिखना है तो तुम्हें पता ही है पहला। ठीक है, तो मतलब यू ऑलरेडी नो कि एस इंटरवल से यदा साइन पॉजिटिव आना, क्यों पॉजिटिव आना, क्योंकि अगर एक्स एक तो व्डा लाओगे तो एक्स माइनस वन आ वाला नंबर भी पॉजिटिव होएगा एंड एक्स प्लस वन आ भी पॉजिटिव होएगा। तो आ लिख देंगे इतने कि एस इंटरवल के अंदर दिस विल बी पॉजिटिव एज वेल एज दिस। तो ओवरऑल यदा साइन की आ गया डी बाय डी डीएक्स का पॉजिटिव आ गया, दो पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव, यदा मतलब नेचर की होगी इतने इनक्रीजिंग, जो मतलब एस इंटरवल इनक्रीज करेगा। ठीक है, सो इस करके भावें तुम सब्जेक्टिव कर रहे हो इट इज़ बैटर दैन रफ च जाके वो बना लो कर्व, तुहानू आइडिया हैगा फिर उन्होंने लिख दो उ। ठीक है, उन्होंने दस्यो ना कि मैं वेवी कर्व बना के किया है। ठीक, सैकेंड इंटरवल की आ गया वाला कि एक्स लै लो एक तो लैके माइनस एक, तो इतने कितने एक्स लाओगे एक्स एक तो छोटा है तो एक तो छोटा तो एक नैगेटिव आ गया। ठीक है, और हले भी माइनस एक तो व्डा तो आ वाला पॉजिटिव आ जाएगा, तो एक फैक्टर पॉजिटिव एक नैगेटिव मल्टीप्लाई करके ओवरऑल नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया डी एक के साइन है डी बाई डी एक्स का, डी बाई डी एक्स नेगेटिव मतलब उस डिक्रीज। एंड लास्ट, हाँ जी थर्ड आ वाला इंटरवल माइनस एक तो पिछे, हाँ जी एच की करांगे ये अंदर हूँ एक्स जड़ा माइनस एक तो भी छोटा, तो मतलब एक तो भी छोटा तो माइनस एक तो भी दोनों नैगेटिव आ जाने, पहला भी नैगेटिव दूजा भी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, डी वाई बाई डी एक्स इज पॉजिटिव इन दिस इंटरवल देयर फोर इट इज़ इंक्रीजिंग। सो लास्ट मॉरल ऑफ द स्टोरी देयर फोर फंक्शन इज इनक्रीजिंग इन, हाँ जी कि इंटरवल एदे च तो एदे च। सो एक आ गया एक्स लैस दैन माइनस वन मतलब माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन एंड वन टू इनफिनिटी। ठीक है, एंड इंटरवल इज फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन, हाँ जी वट एदे च माइनस वन टू वन। आ क्लोज वाला गल मैं थोड़ा ऑलरेडी दस चुके यूनियन की बजाय एंड वाली गल भी समझा चुके आ थोड़ा आंसर आगे स्कूल एवं करेंगे जिन्हें भी इनक्रीज डिक्रीज के क्वेश्चन आने मेक श्योर यू आर गोइंग टू डू इट दैट वे। ठीक है, चलो हुण एक चीज़ होर सुनो कि जब तुम ये कर लिया ना, हालांकि जे ग्राफ किसी भी फंक्शन का प्रॉपरली बनाना होगा ना कि फिर तो गाह मैक्सिमम मिनिमम भी वरत रही, बट मैं नाल नाल दसी जाना आ ग्राफ एडिशनल है स्कूल च नहीं है बट क्योंकि आप ओवरऑल पढ़ाना है, मतलब यदा ग्राफ बनाने कहव इंटरवल ऑफ इनक्रीज डिक्रीज कर लिया कितने कितने इनक्रीज करता सी माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन। ठीक है, एंड वन टू इनफिनिटी इनक्रीज कर रहा है आ सिंबल मैं इनक्रीज लिए वरत रहा है, डिक्रीज कितने कर रहा है माइनस वन टू वन। तो अगर रफ ग्राफ खिंचना ना फटाफट की करया करो कि पहला तो चलो देख लिया, हालांकि तो बड़ी सारी चीज़ें देखी होनी कि कंटिन्यूस है डिफरेंशियबल है इवन ऑड बला बला ला सारी चीज़ें, बट इनक्रीज डिक्रीज देख के अगर थोड़ा जहा रफ खिंचना हो तो कितने कितने बदली नेचर एक ते माइनस एक ते। ठीक है, सो प्रॉपर प्लॉटिंग ना आप मैक्सिमम मिनिमम के बाद ही देखा, बट जिन्नी क कर सकते हैं फिर इन्हें वैल्यू कढ़ लो, एक तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है एक्स वन पुट करके वाई कितना आया, हाँ जी कर लो, हाँ जी वन माइनस थ्री प्लस वन माइनस वन आ गया, मतलब एक्स इक्वल टू वन पुट करके वाई की वैल्यू आई माइनस वन, इतने डॉट लाता माइनस वन पर कितनी वैल्यू आई इतने माइनस वन पुट करो माइनस वन का क्यूब माइनस प्लस थ्री प्लस वन, हाँ जी कितना आ गया तीन माइनस वन पर वैल्यू तीन आई, समझे गल। अच्छा हूँ की कहें ग्राफ पहली गल पॉलीनोमियल है इट इज़ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल, कितों लैके कि तक डोमेन की है माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी। ठीक है, बस खिंच दो हूँ। अच्छा
माइनस वन तो लेके वन तक की या डिक्रीज कर रहा है, मतलब एट थो लेके एट तक डिक्रीज करेगा। माइनस वन तो वैल्यू है नहीं है, वन तो है नहीं है, तो मतलब ए एट थो की करेगा डिक्रीज, डिक्रीज करेगा। जीरो तो वैल्यू लाभ लो करनी है, जीरो 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 वन, तो इतने कट करेगा वन तो डिक्रीज करदा करदा, ठीक है इतने आ जाएगा। अच्छा अब बेंड कितना दे आएगा, कारण एवें जाओगे एवं, ए डबल डेरेवेटिव अगे मैक्सिमम इन पार्ट है। मैं पहला भी कहता मैं रफ खिंचन दे आले, ठीक है। अच्छा वो बाद वन टू इनफिनिटी ए बाद इनक्रीज़ करेगा, अच्छा इनक्रीज़ करेगा वधेगा, वधनों तो इतने तक भी जा सकता है, एवें उपर भी जा सकता है, वो कौन दसेगा कि इनफिनिटी की वैल्यू किनी है। तो तुम इतों लिमिट भी खिंच सकते हो, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोच इनफिनिटी एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन, हाँ जी इनफिनिटी का क्यूब इनफिनिटी दैट इज़ अप्रोचिंग टू इनफिनिटी। ये मतलब जिमें इधर जावे यदा ग्राफ इनफिनिटी वाल अप्रोच करेगा, उपर न इन्हें उपर न जाएगा, इज दैट क्लियर। ऐद हूँ इधर आ जाओ, माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन च भी इनक्रीज़ करेगा, मतलब पिछों इतों इनक्रीज़ करेगा। तो इनक्रीज़ तो एवें भी कर सकता है, एवें भी कर सकता है, कौन दसेगा भी कितों शुरू होएगा। माइनस इनफिनिटी तो लिमिट कितनी है, बिल्कुल ठीक है, ये लिमिट कर लो, माइनस इनफिनिटी का क्यूब है और लीडिंग टर्म ही दसेगी दैट इज़ माइनस इनफिनिटी। तो माइनस इनफिनिटी ते जब एक्स माइनस इनफिनिटी या वाई भी माइनस इनफिनिटी होगा तो नीचों शुरू होएगा, माइनस इनफिनिटी तो माइनस वन तक इनक्रीज़ करेगा और सानू पता इतने जुड़ेगा आके, सो नीचों आके इतने इदा जुड़ेगा। आ यदि रफ जहा ग्राफ इदा मतलब मोटा मोटा ग्राफ तुम खिंच सकते हो भी इतों इनक्रीज़ डिक्रीज एंड पॉइंट ते की सीन है, कंटिन्यूस देखो डिफरेंशिएबल, सो दैट्स अ वे, ठीक है। चलो दैट वॉज सो विच मैं करूँगा जेडे कुछ मैं लगूगा कि नवी चीज़ें ग्राफ दी मैं नाल ना दसी आऊँगा। स्कूल तो मैं क्लियर करता की आना, टेबल बनाओ डी वाई डीज कट के फिर इनक्रीज डिक्रीज चेक कर लो, ठीक है। सो लेट अस डू मोर प्रॉब्लम। अच्छा आ कहता है कि सारे आप इनक्रीज डिक्रीज करना, तो ठीक है पुत्र, डी वाई बाय डी एक्स 6x² माइनस 18x प्लस 12, 6 कॉमन x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है x माइनस 1 एंड x माइनस 2। नाउ अगर इतने आई गए पिछले सवाल वर्ग आ गया तो इतने मैं ज़्यादा टाइम नहीं लाँगा, तो ऑब्जेक्टिव करना तो इतने इनू जीरो पुट करो, वन इतों टू इधरों शुरू होएगा, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव नैगेटिव, माइनस इनफिनिटी टू वन एंड टू टू इनफिनिटी च इनक्रीज़ करेगा एंड वन टू टू च डिक्रीज करेगा, इज दैट क्लियर। और अगर स्कूल च करना ही क्वेश्चन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, चार्ट बनाओ पहला इतने, हाँ जी कि पॉइंट आ एक दो ते एक डी वाई बाय डी एक्स नो जीरो पुट करके रियल लाइन ते प्लॉट कर लो नो, फिर कहेंगे नाओ लेट अस टेक द केसिस, पहला केस कि एक्स दो तो वड्डा, ठीक है, सैकेंड एक्स एक और दो दे विच, ठीक है, थर्ड एक्स एक तो पिछे, और फिर इदा ही वो साइन चैक करके वह इनक्रीज डिक्रीज आ जाओ, ठीक है, क्योंकि वह जो सवाल है तो लेट अस नॉट वेस्ट टाइम, है ना। ओके पहला देखो वो कहता है कि वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू ई रेस पार माइनस एक्स, इंटरवल ऑफ इनक्रीज डिक्रीज। नाउ वाई डैश किन्ना है, ई रेस पार माइनस एक्स एज सच प्रोडक्ट रूल लगेगा, ए डिफरेंशिएशन वन एक्स प्लस टू एज सच ई रेस पार माइनस एक्स की ई रेस पार माइनस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस दैट इज माइनस वन, ई दी पावर माइनस एक्स बेटे कॉमन ले लो, वन माइनस एक्स माइनस टू, ठीक है, देयरफॉर दैट इज ई रेस पार माइनस एक्स दैट इज वॉट माइनस वन माइनस एक्स, ठीक है। तो हूँ की करिए, अच्छा हूँ तो फैक्टर ही एक है, सानू वैसे पता नंबर तो पॉजिटिव ही है, तो एक ही फैक्टर हो गए फिर वो टेबल बनाने की लड़ नहीं, ठीक है। तो फिर की करोगे ना, फॉर इनक्रीज वाई डैश शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, देयरफॉर हाँ जी की होगा आ वाली पूरी एक्सप्रैशन माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। और मैं ऑलरेडी तुम्हें दसिया पहला, क्योंकि ई रिच पर एक्स से ई रिच पर माइनस एक्स हो रिच पर एक्स वट एवर ये हमेशा ही जीरो तो वड्डा, सो नाल मैनशन करो बिकॉज ई रेस पार माइनस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर दैन जीरो, देयरफॉर ए ओवरऑल पॉजिटिव कद होएगा सर आ वाला नंबर, देयरफॉर माइनस वन माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, ठीक है, माइनस कॉमन कर लो इतने सॉल्व करना, माइनस कॉमन वन प्लस एक्स शुड बी
ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देयर फोर एक्स एम ए ना करो सीधे कर लो, एक्स इधर ले जाओ, सो माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स और एक्स इज लैस दैन इक्वल टू माइनस वन, यदा मतलब इस इंटरवल से फंक्शन थोड़ा इनक्रीज करेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? और डिक्रीज कब करेगा? व्हेन डी वाई बाई डी एक्स इज लैस दैन जीरो। ठीक है, फिर आही इतने डिक्रीज पा दोगे, इतने लैस दैन इक्वल टू, तो थोड़ा आंसर आ जाएगा माइनस वन टू इनफिनिटी। ठीक है, सो अगर सिंगल फैक्टर है तो फिर वो टेबल बनाने की लोड़ नहीं, फिर एवें कर लो। तो इंटरवल ऑफ इनक्रीज की है एक बार लिख ली, माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन, तो डिक्रीज आया सी माइनस वन टू इनफिनिटी। अच्छा क्यों, अगेन हूँ क्वेश्चन थोड़ा खत्म हो चुके हैं, क्योंकि हूँ आप होर नॉलेज वधाई जाइए। अगर मैं कहूँ ग्राफ खिंचो, पहली गल तो दोनों कंटिन्यूस डिफरेंशियबल मल्टीप्लाई होए हैं, तो फंक्शन भी डिफरेंशियबल होएगा। ठीक है, मैं कि समझाया थोनों कि अगर इन्नी इनफॉर्मेशन नाल खिंचना, मतलब इन्नी मतलब पहली भी लिमिट लिमिट वरत के, तो पहला पॉइंट लिख लो कि माइनस वन, माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन तक इनक्रीज किया, माइनस वन तो वैल्यू कढ़ लो कि नहीं, माइनस वन प्लस टू वन ई द पावर वन, दैट इज ई लगभग 2.7 आ वैल्यू आ गई। अच्छा हुण माइनस इनफिनिटी तो लैके इत तक इनक्रीज करेगा, कितों एवें भी इनक्रीज कर सकता, एवें भी कर सकता, वो कौन दसेगा माइनस इनफिनिटी दे वैल्यू कितनी है, वो कौन दसेगा, माइनस इनफिनिटी दे लिमिट ले लो, सो लिमिट एक्स अप्रोचेज माइनस ट्वेंटी, एक्स प्लस टू इंटू ई द पावर माइनस एक्स, हाँ जी आ माइनस इनफिनिटी नू जाएगा, इंटू ई द पावर माइनस इंटू माइनस ट्वेंटी, ई द पावर इनफिनिटी, ई एक तो वड्डा है, ई द पावर इनफिनिटी किनू जाएगी, इनफिनिटी नू, सो दैट इज़ बेसिकली वट माइनस इनफिनिटी इंटू इनफिनिटी, दैट इज़ इनफिनिटी, दैट इज़ अप्रोचिंग टू माइनस इनफिनिटी, यदा मतलब माइनस इनफिनिटी तो एक्स की वैल्यू जब वाई भी माइनस ट्वेंटी, मतलब नीचों शुरू होएगा ग्राफ। ठीक है, अगल समझ आ गई, यदा मतलब इतों होएगा ग्राफ शुरू। ठीक है पुत्र, इधरों नीचे फिर इतें तक करना इनक्रीज़। ठीक है, इनक्रीज़ कर गया तक आएगा ना, हो इतने कट्टेगा कितने, एक ही रूट कड़ने होने कट सकते, कितने जीरो हो रहा जी, किहड़े पॉइंट ते, या तो पहला जीरो या दूजा, ई रेस्ट पर एक्स से जीरो होंदा नहीं, देयरफॉर एक्स प्लस टू इज़ जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस टू, बिल्कुल सही इतने नज़र आ रहा है तो पिछे। अच्छा उसके बाद माइनस वन टू इनफिनिटी की करेगा डिक्रीज़। ठीक है, आ डिक्रीज़ करेगा, हुण कित्थे करेगा, नीचे नू जाएगा, इधर करेगा डिक्रीज़, वो कौन दसेगा कि इनफिनिटी ते वैल्यू कितनी है। ठीक है, सियाने होगा, ठीक है, इनफिनिटी दे वैल्यू कितनी है वो कर लीए, तो इनफिनिटी दे वैल्यू किवें लिमिट लै पैदी, सो लिमिट एक्स अप्रोचेज इनफिनिटी, एक्स प्लस टू ई दी पावर माइनस एक्स, एनू नीचे लियो, ई रेस्ट पर एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेज इनफिनिटी। ठीक है, लेट मी जस्ट कैलकुलेट दैट लिमिट, हाँ दी फॉर्म बनी इनफिनिटी बाय ई दी पावर इनफिनिटी, इनफिनिटी फॉर्म, और वैसे तुम तो देख के दस सकते हो कि ई रेस्ट पर एक्स काफ़ी डोमीनेटिंग होंगे इनफिनिटी, तो आ इतों व्डा होएगा, तो आ नीचे व्डा तो आंसर थोड़ा जीरो आ जाएगा, बट स्टिल जो होर कन्विंसिंग वे ना करना है, फॉर्म कड़ी है इनफिनिटी बाय इनफिनिटी है, तो एल ऑस पिल ला दो, दैट इज़ एक्स अप्रोच इनफिनिटी, हाँ जी ए डिफरेंसिएशन वन, एदी ई रेस्ट पर एक्स, सो एक्स अप्रोच इनफिनिटी, ई दी पावर इनफिनिटी इनफिनिटी, वन बाय इनफिनिटी इज अप्रोचिंग टू जीरो, यदा मतलब यदा ग्राफ इनफिनिटी ते डिक्रीज़ ते करेगा, डिक्रीज़ करता करता इनफिनिटी ते जीरो वाल जाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी दी ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, इफ है, हालांकि मैं बार बार बिच कह रहा कि जब तुम मैक्सिमम मिनिमम भी पढ़ लोगे तो होर मतलब डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन इवन ऑड ए वो जो लाना हो चीज़ा भी नाल इनकॉरपोरेट कर सकते, बट ये ना ही बनी जाते। हुण देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन कह फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ग्लोबल मैक्सिमम कितनी है, हाँ जी ई है, कद आएगी वैन एक्स इक्वल टू माइनस वन, रेंज वाई कितों शुरू हो रहा, वाई हाँ जी इतों शुरू हो रहा, वाधा 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 वधी कि ई तक, सो रेंज कितनी आएगी माइनस इनफिनिटी तो लैके ई तक, तो इसे करके ना इफ यू रिमैंबर रेंज कोडोमेन दे क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम ही हो गया ना, ठीक है, जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ लाँगे मैक्सिमम वैल्यू कढ़ ली तो थोड़ी रेंज आ जाएगी फंक्शन की, अगे पढ़न वास्ते तो आ चीज़ा नाल टूल होनी हेल्प कर दी। ठीक है, सो ए अगेन एडिशनल है,
एडिशनल मतलब जेडे बच्चे सिर्फ स्कूल तुसी देखना ओ चा कुछ कहानी नहीं पा के आनी बेटे, मतलब फालतू टॉर नहीं मारनी है तुहानू, सिर्फ समझाउण खातर है। जो जब आप डी ओवर डी इज ग्रेटर दैन जीरो लैस दैन जीरो करके इनक्रीज डिक्रीज कर लिया, उत्थे गल खत्म हो गई। ठीक है, इट इज़ ऑल फॉर द, क्योंकि आप कोई चीज़ सीखते हैं थोड़ी कि थ्रेट सिर्फ बुक च चलना है जी आंसर आ गया। आप ओवरऑल प्रॉब्लम विजुलाइज कर रहे हैं, ओवरऑल अपनी नॉलेज में वधा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पुत्र की कहें और करते हैं कि वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, ठीक इन इंक्रीज डिक्रीज ही करना है सारे, डी वाई बाई डी एक्स कर लो, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एदा 1। ठीक है, सो एलसीएम ले लो -1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आ कटिया गया। ठीक है, देयरफॉर आ गया। ये हूँ आपको लंबी चौड़ा कोई सॉल्व करने की लड़ ही नहीं, आंसर नज़र ही आ रहा। क्यों? 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी हमेशा 0 तो वड्डा है, और आड़ा एक्स स्क्वायर है ये भी हमेशा 0 या 0 तो वड्डा है, 0 भी एक पॉइंट नहीं है सिर्फ 0 थे। सो वी कैन से कि डी वाई बाय डी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये कदे भी नैगेटिव नहीं है। मतलब ए फंक्शन की स्लोप हमेशा 0 तो वड्डी है, 0 तो 0 है, मतलब ये फंक्शन की है पुत्र स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग। ठीक है, सो देयरफॉर दिस इज़ अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, गल खत्म। पूरी डोमेन के अंदर वो डोमेन की है बेटे फंक्शन की -∞ टू इनफिनिटी, देयरफॉर दिस इज़, अच्छा -∞ इनफिनिटी के क्लोज नहीं पा देना। ठीक है, सो ये हमेशा ही इनक्रीजिंग है बेटे, इज दैट क्लियर? एक बार जेई च भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन सेगा ही, ते ऑप्शन सेगे है दें ना। चलो हाँ, लेट अस डू दिस। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 क्यूब, ठीक है, लेट अस डिफरेंशिएट। हाँ जी, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव आ एस सच प्लस यदा डेरिवेटिव पहला एस सच, ठीक है, प्रोडक्ट टूल रैम आप डिफरेंशिएशन कर ली। ठीक है, सो दैट इज 3x+1 द होल स्क्वायर कॉमन, x-3 द होल स्क्वायर कॉमन की बचा बेटे इतों x-3, ठीक है, +x+1। सो यू हैव डी वाई बाई डी एक्स इज 3x+1 द स्क्वायर, x-3 द स्क्वायर एंड 2x-2। सो डी वाई बाई डी एक्स आ गया 6 टाइम्स, ठीक है, x-3 द स्क्वायर एंड x-1। नाउ ये भी ईजी है, क्यों? क्योंकि जिहड़ा x+1 स्क्वायर है बेटे, तो x-3 होल स्क्वायर, तो ए तो नंबर 0 या 0 तो वड्डा ही है, 0 भी सिर्फ 2 पॉइंट है डिस्क्रीट ते, एक 3 ते -1 ते, तो यदा मतलब इन्हों ना तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करनी नहीं। सो फॉर इनक्रीज़ इस करके कोई टेबल टूबल ना बनाओ, क्योंकि डिपेंड तो सिर्फ इतने कर लो। तो फॉर इनक्रीज़, हाँ जी, की होएगा? हाँ जी, वाई डैश शुड बी, हाँ जी, वट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इज दैट क्लियर? देयरफॉर आ निकलो नाल एज x+1 द स्क्वायर एंड x-3 स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, देयरफॉर सारी गलबात इतने डिपेंड करेगी। जो जद, हाँ जी, आ वाला 0 या 0 तो वड्डा हो जाएगा, उत्थे ए इनक्रीज कर जाएगा। ठीक है, देयरफॉर इंटरवल ऑफ इंक्रीज किया गया 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, सो दैट इज आ गया। और फॉर डिक्रीज वाई डैश शुड बी लैस दैन इक्वल टू 0, कितने कितने होएगा? जब आ वाला नंबर शुड बी लैस दैन इक्वल टू 0, सो एक्स इज लैस दैन इक्वल टू 1, सो -∞ टू 1। ठीक है, गल समझ आ गई? ठीक है बेटे, सो दैट्स इट, आ हो गया। आ अगेन एडिशनल जे किसी के मन च क्रियोसिटी है ना भी सर डी वाई बाई डी एक्स तो इतने भी 0 होया सी, 3 ते भी कुछ नहीं है, आ देखो एग्जैक्ट ग्राफ नहीं आ, मैं सिर्फ समझा दिया। तो डी वाई डी एक्स कितने कितने 0 होया सी, 1 ते 3 ते -1 ते ना, सानू पता कि एक तो लैके इनफिनिटी ते इनक्रीज़ किया, एक तो जो भी वैल्यू हो भी मैं इतने वैल्यू नहीं वेखना, सिर्फ थानू वो नेचर ड्रॉ करने, तो ग्राफ इनक्रीज़ करेगा, बट 3 ते एक मोमेंट लई स्लोप 0 होएगी। ठीक है, वो बाद फिर इनक्रीज़ कर जाएगा। बट एक दे बाद ग्राफ स्ट्रिकली इनक्रीज कर गया, ऐसे -∞ टू 1 डिक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करेगा, बट
फॉर दिस मोमेंट माइनस वन ते आके एक मोमेंट ले स्लोप की होएगी, हाँ जी जीरो होएगी, और उसके बाद फिर इतने आके जुड़ जाएगा। सो वी कैन सी के माइनस इन्फिनिटी टू वन इट इज़ डिक्रीजिंग, वन टू इन्फिनिटी इट इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है, ओके। ग्राफिकल एनालिसिस में बड़े तां दसदा ना क्वेश्चन कल्ला आपां आंसर कढ़न लई नहीं करते, चीज़ा अगे तुसीं जाना थोड़ा एनालिटिकल एबिलिटी भी वधनी चाहिए है। स्कूल ठीक है आंसर आ गया गल खत्म हो गई, ठीक है, बट वैसे तो पता हो कि ठीक है यार आ चीज़ा भी नाल इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस डू दिस, एक्स स्क्वेयर इंटू ई द पावर माइनस एक्स, हाँ जी डिफरेंशिएट कर लीए फर्स्ट फंक्शन एज सच, एक्स स्क्वेयर द टू एक्स एंड एक्स स्क्वेयर एज सच ई द पावर माइनस एक्स द ई द पावर माइनस एक्स इंटू ए द डेरेवेटिव माइनस वन। सो हाँ जी हूँ की कुछ कॉमन आ रहा, ई द पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो, वी हैव टू एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो नाओ आ तो सानू पता ही हमेशा नंबर पॉजिटिव है, देखो डी वा बाई डी का साइन कितने डिपेंड करेगा ये। सो जद जद आ पॉजिटिव होएगा तो ओवरऑल वाई डैश पॉजिटिव मतलब इनक्रीज एंड अदरवाइज डिक्रीज, तो यह मतलब इनू ड्रॉ कर लिए। नाओ फॉर टू एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू वट, माइनस कॉमन कर लो या एवें लिख लो, इन्हू थोड़ा बैटर प्रेजेंटेशन ले कि फॉर इनक्रीज टू एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, साइन प्लस बना लो माइनस का मल्टीप्लाई करके, और एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स इज लैस दैन इक्वल टू जीरो। सो आप की करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स विच इज़ नथिंग बट एक्स इन टू एक्स माइनस टू, जिथे जिथे ए लैस दैन इक्वल टू जीरो है उत्थे इनक्रीज़ करेगा। ठीक है, कन्फ्यूज़ ना करे होना इतने, क्योंकि नैगेटिव से कॉमन लैके मल्टीप्लाई किया इस करके, तो जिथे जिथे आ वाली एक्सप्रैशन लैस दैन जीरो होएगी उत्थे इनक्रीज़ करेगा, एंड फॉर डिक्रीज़ की होएगा दिस शुड बी लैस दैन जीरो, 2x माइनस एक्स स्क्वेयर इज लैस दैन इक्वल टू जीरो, एंड माइनस ना मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, और x इंटू एक्स माइनस टू। सो बेसिकली की करांगे एदा साइन देख लें x इंटू एक्स माइनस टू का, जिथे जिथे ये पॉजिटिव आ गया उत्थे उत्थे डिक्रीज करेगा, जिथे जिथे नैगेटिव आ ठीक है उत्थे उत्थे इनक्रीज कर जाएगा, बाकी क्लोज इंटरवल ला देंगे। तो यह मतलब ए साइन तो आ जाने, नाओ इन मान लेना फिर ए वन और टू वट एवर, ठीक है, नाओ फॉर एक्स इंटू एक्स माइनस टू, वो फिर तुम उ चार्ट बनाओगे क्योंकि स्कूल करना चार्ट बनाओगे, एक आ गया जीरो पॉइंट एनू जीरो पुट करो, नेबरिंग फैक्टर जीरो पुट करो, आ टू आ गया। अच्छा अगर तुम समझ रहे हो कि सर इतें ही क्यों नहीं करता फैक्टर बनाने, बेटे जब आप मैथड लाने इनक्वलिटी वाला जोड़े भी फैक्टर है ना पुत्र, वो अगे एक्स के अगे भी प्लस हो, एक्स के हरेक कोफिशेंट भी प्लस होना चाहिए। इतने अगर इदा ही कॉमन लेंदे ना एक्स में तो की होना सी टू माइनस एक्स, इतने एक्स का कोफिशेंट नैगेटिव है, सो टू मेक दैट पॉजिटिव असं इतों माइनस कॉमन कढ़िया, सो माइनस कॉमन कढ़ के कि आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स, और फिर माइनस न दोनों पासे मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इनक्वैलिटी चेंज हो गया, पहला ग्रेटर सी फिर लैस हो गया। ठीक है, मतलब आ चीज़ा मैं वैसे इन्ना तो मनना चाहिए मैंने कि इन्ना तो आता होएगा, ठीक है, बट स्टिल मैं एक्सप्लेन करता। ठीक है पुत्र, सो ठीक है, हुण किहड़े किहड़े इंटरवल बनेंगे, एक बनेगा दो तो बाद, एक जीरो तो दो च, एक दो तो पिछे, तो फिर दैन वट यू गोइंग टू डू, फिर तुसीं वो पूरा टेबल बनाओगे, एंड अगर ऑब्जेक्टिवली है तो गल खत्म होगी, इत्थे पॉजिटिव इत्थे नैगेटिव। सो हुण देखो इत्थे इत्थे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब आ वाला, तो इत्थे इत्थे डिक्रीज़ करेगा, सो देयरफॉर माइनस इनफिनिटी टू जीरो एंड टू टू इनफिनिटी डिक्रीज करेगा, बिकॉज इतने इतने आ वाली एक्सप्रैशन जीरो तो वड्डी, एंड ए लैस दैन जीरो जिते है उत्थे उत्थे ए इनक्रीज करेगा, सो जीरो टू टू च इनक्रीज करेगा, तो इफेक्टिवली आंसर इनक्रीज का की आएगा जीरो टू टू, डिक्रीज का आएगा माइनस इनफिनिटी टू जीरो एंड टू टू इनफिनिटी, दिस इज़ फॉर इनक्रीज दिस इज़ फॉर डिक्रीज, इज दैट क्लियर। एंड सबजैक्टिव तुम चार्ट बनाओगे, ये पहला केस लाओगे हाँ जी एक्स दो या दो तो वड्डा, दूजा लाओगे जीरो और दो दे विच, ठीक है, एंड सो ऑन। बट ये क्वेश्चन जित तक मैं याद है थोड़े पुराना जेई च भी आ चुका, थोड़ी एन सी आर टी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है शायद ये वाला, ठीक है, तो
ए हो गया ए वाला सवाल. सो लेट अस डू दिस प्रॉब्लम. वाई इक्वल टू एक्स द पावर 4, 4x³ प्लस 4x² प्लस 15. हाँ जी, वाई डैश 4x³ माइनस 12x² प्लस 8x एदी 0. की कॉमन आ रहा है पुत्र? 4 भी तो एक्स भी. तो कितना आ गया? x² माइनस 3x प्लस 2. ठीक है, वाई डैश आ गया 4x इंटू ए फैक्टर बन गए x माइनस 1 एंड x माइनस 2. ठीक है. अच्छा, इतने ना मेरे लिए फैक्टर बनाने आसान सी क्योंकि इतने ऑटोमैटिकली x कॉमन आ गया. जे इतने x कॉमन ना आता कुछ यहोजी क्वेश्चन बन जाती लाइक x³ माइनस समथिंग इंटू x² समथिंग इंटू x प्लस कोई कॉन्सटेंट भी होंगे. ठीक है, मान लो तो ये अंदर की करीदा होंगे. हाँ जी, हिट एंड ट्रायल देना. x की वैल्यू प्लस 1 माइनस 1 प्लस माइनस 2 तो प्लस माइनस 3 नू पुट कर लो. मान लो x इक्वल टू प्लस 1 पुट किया, सैटिस्फाई कर गया मान लो. तो मतलब x इक्वल टू 1 यदा रूट है, यदा मतलब x माइनस 1 यदा फैक्टर आ जाएगा. ठीक है, एक फैक्टर फिर गैस कर लो. जब एक फैक्टर आ गया दैन बाकी जो दोनों इनू तुम ये की करना है, लॉन्ग डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर तो सर्टनली 0 आ जाएगा. तो क्वेश्चन तुहाडे कोई ना कोई क्वाड्रेटिक आ जाएगी. ठीक है, और एक दो फैक्टर फिर आ जाने बिकॉज दैन दिस इज इक्वल टू दिस इन टू दिस. सो ये तरीका है क्यूबिक नू फिर फैक्टराइज करन दा. ठीक है, इतने तो समझो ना गल, रब की कृपा होगी कि एक्स कॉमन ही आ गया. नहीं तो की करोगे क्यूबिक वास्ते? एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 चो हमेशा होएगा कोई ना कोई. अच्छा, हुण इतने तीन तीन फैक्टर आ गए. तो पहला मैं सॉल्व करदा. हाँ जी, किदा? हाँ जी, अगे देखो, पहला अगे प्लस 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 बिल्कुल ठीक है. एनू 0 पुट करो, 0 एनू पुट करांगे तो 1 आ जाएगा अगे वाले 2. तो 4 इंटरवल बन गए, 1 2 3 4. फिर की करोगे तुसी? इतने इंटरवल, इतने फिर साइन ऑफ dy/dx. ठीक है, इतने उसकी नेचर की है, इनक्रीज है या डिक्रीज है? पहला इंटरवल लवेंगे 2 तो वड्डा. ठीक है, और पहला की करे करो, रफ ते वेवी का बना लो, इधर पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है, स्कूल च नहीं जो बनानी, मैं बार बार कह रहा स्कूल च, ये तो रफ च कर लिया सो दैट तुहानू आंसर पहले ही पता होवे. हुण तुहानू पता कि 2 दे बाद ये पॉजिटिव होएगा, इतने नैगेटिव, इतने पॉजिटिव, इतने नैगेटिव. तो 2 दे बाद वी नो कि साइन पॉजिटिव आना. और क्यों पॉजिटिव आना? 2 दे बाद कोई भी नंबर लाओगे आ तिने फैक्टर पॉजिटिव होने हैं. सो पहला भी इतने प्लस लिख दो क्योंकि नंबर 2 तो वड्डा पुत्र. तो अगर एक्स 2 तो वड्डा तो आ वाला फैक्टर भी प्लस होएगा, तो आ भी तो आ भी. सो तीनों पॉजिटिव लिख के इदा इनू इक्वल टू प्लस पा दो. यदा मतलब dy/dx वाला पॉजिटिव है तो इतने की करेगा? इनक्रीज करेगा. फिर सैकेंड लै लो 1 तो 2. ठीक है, हाँ जी, ये की होएगा हूँ? 1 तो 2 के अंदर नंबर 2 तो छोटा हो गया. 2 तो छोटा होगा तो आ वाला फैक्टर जिहड़ा, जिवें इत्थे आ एक्स 2 तो छोटा है तो आ नैगेटिव हो जाएगा. तो आ वाला फैक्टर नैगेटिव, बाकी दोनों, बाकी ए कोई भी नंबर लवेंगे हले भी 1 तो भी वड्डा है तो 0 तो भी वड्डा है, तो आ दोनों फैक्टर पॉजिटिव होने. ठीक है, तो यदा मतलब आ 2 पॉजिटिव 1 नैगेटिव, मल्टीप्लीकेशन नैगेटिव आ जाएगी. तो dy/dx का साइन नैगेटिव आ गया तो इतने की करेगा? डिक्रीज. ठीक है, फिर इंटरवल ले लो आ वाला. ठीक है, वो आ गया 0 तो लैके 1 तक. उस की होएगा हूँ? इतने मतलब 1 तो भी नंबर छोटा है, 2 तो भी एक्स जोड़ा है, तो मतलब एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 दोनों नैगेटिव हो जाने. सो आ लास्ट वाले 2 नैगेटिव. ठीक है, पहला पॉजिटिव, 2 नैगेटिव, 1 पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव आ जाएगा. सो ये अंदर की हो जाएगा क्योंकि dy/dx पॉजिटिव है, एच इनक्रीज कर जाएगा. एंड सिमिलरली लास्ट 0 तो पिछे. ठीक है, एक्स लैस दैन 0 इतने. हाँ जी, की होएगा? क्योंकि एक्स लैस दैन 0 है तो सारी नैगेटिव, तो पहला भी नैगेटिव, दूजा फैक्टर भी, तो तीजा भी, तीन फैक्टर आ, तीनों नैगेटिव है, इफेक्टिवली नैगेटिव. dy/dx का साइन नैगेटिव है, मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग. ठीक है, दैट्स इट. तो देयरफॉर ओवरऑल फंक्शन इज, हाँ जी, इनक्रीजिंग इन, हाँ जी, कड़े कड़े इंटरवल इनक्रीज करेगा? पहले इतने, हाँ जी, 2 to infinity, हाँ जी, एंड एद 0 to 1. डिक्रीज कितने कितने करेगा? हाँ जी, 1 to 2 एंड एक्स लैस दैन, सो माइनस इनफिनिटी टू 0 एंड 1 to 2. ठीक है, आंसर आ गया. ठीक है पुत्र, और मैं फिर रिपीट करना, स्कूल च बस तुसी एनी लाइन बनानी,
बस आज ही दो है, ठीक है, एक है एकदम बस। हाँ ठीक है, बस आ तुसी रील बना के उसके बाद तुसी एनालिसिस दे देना। एंड वो कर्व नहीं बनानी है, रिमेंबर वीवी कर्व स्कूल च नहीं बनानी, उन्हें वेख दे कांटा मार देना, ठीक है, गल खत्म। और जे आही ऑब्जेक्टिव हों आ बिल्कुल नहीं सी करना, सीधी कर्व बना के इनक्रीज डिक्रीज आ जाना, ठीक है पुत्र। ओके अगले सवाल पर चल दें।